अब खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां लीसा खोलने की मांग को लेकर मझौली वन पंचायत के लोगों ने संयुक्त रूप से डीएफओ को एक मांग पत्र सौंपा। बता दें कि डीएफओ कार्यालय पहुंचे सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी साइन दिखाकर मझौली वन पंचायत में लीसा बंद कर दिया गया। वहीं डीएफओ ने इस मामले की जानकारी लेते हुए वन पंचायत की बैठक का निर्देश दिया है। बैठक के बाद वन पंचायत में लीसा खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये वन पंचायत मझौली की और ये वहाँ की मतलब दीपक शाह ने वो कर रखी है, मतलब फर्जी साइन करके यहाँ लेटर लगा रखा है। और हमने ये लीसा खुलाने के लिए हमने वो लेटर लिखा था यहाँ, और उन्होंने वो यहाँ शिकायत करके हमें यहाँ भेज दिया। और तब हम ये डीएफओ ऑफिस आए हैं और हमारे कुछ वन पंचायत में आए होगी करके हमने लीसा खुलवाने के लिए हमने लेटर लिखा था यहाँ, और ये दीपक शाह ने ऐसा कर दिया और फर्जी साइन औरतों के लेके और यहाँ लगवा दिया। और औरतों को पता नहीं था ये साइन किसके हैं करके। वो गाड़ी के कुछ सामान मिलने थे, हम मांग ये कर रहे हैं और लीसा खुलवा रहे हैं। देखिए मझौली जो वन पंचायत है इसमें इनके द्वारा लीसा के लिए आवेदन किया गया था, तो इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके जो पंच के सिग्नेचर हैं वो गलत हैं, तो इस वजह से जो इनका लीसा का जो होना था उस पर रोक लगा दी गई थी। परंतु आज फिर से वन पंचायत के जो सरपंच हैं यहाँ पे आई थी और उनका कहना है कि जो सिग्नेचर हैं वो सही हैं। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए उनको मेरे तरफ से निर्देशित किया गया है कि इसको पुनः एक बैठक करा लें और उसकी वीडियोग्राफी भी करा लें जब पंच इत्यादि सिग्नेचर कर रहे हैं, ताकि इस प्रकरण में किसी तरीके का विरोधाभास न रहे और आगे की कार्रवाई की जा सके।